जिला बड़गाम में ईंट के भट्टों की बढ़ती हुई तादाद ने इंसान की रोजमर्रा जिंदगी को मुतासर कर रखा है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक 66% ईंट के भट्टे जिला बड़गाम में पाए जाते हैं। बड़गाम जिला में 86% लोग जमींदारी पर गुजारा कर रहे हैं, लेकिन भट्टों की हद से ज्यादा कसरत ने खेत खलियानों पर भी मुजर असरात छोड़े हैं। इन भट्टों से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे खतरनाक जहरीले गैसें निकलते हैं, जो कि हर जानदार के लिए मिजरी सेहत है। जमीन से पैदा होने वाली फसलें, मसलन साग, दालें, अनाज, गेहूँ, मक्की वगैरह ही नहीं बल्कि दरख्तों को भी नुकसान पहुँचता है। इन भट्टों से जमीन भी बंजर हो जाती है। बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस उसमें होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए। तो उससे जो धुआं बाहर आता है, जो स्मोक बाहर आता है, उससे जो आसपास पौधे होते हैं, सब्जियां होती हैं या मेवा बागात होते हैं, उन पे एक वो सूट सा जम जाता है। सो उससे सब्जियाँ भी हमारी ख़राब होती हैं और जो वाटर रिसोर्स हैं, और बड़गाम तो माना जाता है कि ये जो पीर पंजाल के कारीवास में ये वाक़ है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्प्रिंग्स हमारे हैं, और इन ब्रिक-किल्न्स की वजह से जब ये इस तादाद में बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो ब्रिक-किल्न्स की वजह से वो स्प्रिंग्स जो हैं वो बंद होना शुरू हो गया है। और पूरे मतलब एक तरह से एक वक्त अगर ये यही रफ्तार रही इस तरह की किल्न एस्टेब्लिशमेंट की, तो ये सारी ज़मीन हमारी शोरज़ार हो जाएगी और हर तरफ तबाही और बर्बादी फैलेगी। ये लोग पैसे के लिए किसी भी नाजायज़ काम को अलाउ करेंगे, इनका कोई ज़मीर ही नहीं। अगर ज़मीर होता तो इनके लिए तो पैसा ही सब कुछ। आप देखती नहीं, हर नाजायज़ काम पैसे से होता, और जायज़ काम अगर आप जायज़ काम करना चाहें तो वो होगा ही नहीं, उसमें भी आपको पैसा देना पड़ेगा, रिश्वत देना पड़ेगी। और कश्मीर की जो रिवायती खूबसूरती है उसको बुरी तरह से मुतासर किया है। ज़रूरत इस बात की है गवर्नमेंट इस चीज़ को कंट्रोल करे, ब्रिक-किल्न बनाने के कवानीन को बड़ा सख्त बनाए, और जब भी कोई ब्रिक-किल्न बनाना हो तो उसकी लोकेशन का इंतखाब करने में बहुत ज़्यादा होशियारी से काम लेना पड़ेगा। ये नहीं कि जिसके जी में जो आती है वो कर लेता है, और पूरे मतलब एक तरह से एक वक्त अगर यही रफ्तार रही इस तरह की किल्न एस्टेब्लिशमेंट की, तो ये सारी ज़मीन हमारी शोरज़ार हो जाएगी और हर तरफ तबाही और बर्बादी फैलेगी हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं कल ही एक न्यूज़ में पढ़ रहा था कि दिल्ली में हर 7 पुलिस वालों में से जो 6 पुलिस वाले हैं वो तो छाती के अमराज में मुब्तला हैं। और अभी हमारा कश्मीर जो माना जाता था यहाँ का एनवायरनमेंट जो बड़ा प्रिस्टाइन है, बड़ा क्लियर हमारा जो आबो हवा है यहाँ पे, और इन ब्रिक-किल्न्स की वजह से तो उसे हम तबाह कर रहे हैं। अगर ये ऐसे ही होता रहा तो मुझे नहीं लगता वो दिन दूर है जब दिल्ली से बदतर हमारी हालत हो जाएगी। सांस और हमारी जो इरिगेशन कैनाल्स हैं उनके दाएं बाएं ब्रिक-किल्न्स लगे हैं, तो वो एक तो वो सड़ गई हैं और दूसरा उनमें बहुत ज़्यादा गंदगी आ गई है। और यहाँ पे एक ट्रेंड चली है कि लोग तैयार नहीं है, स्पेशली हमारी जो नई जनरेशन है, दे आर नॉट रेडी टू वर्क इन द एग्रीकल्चर लैंड्स। सो उन्हें ईजी लगता है कि जो ज़मीन है किसी ब्रिक-किल्न ओनर को दिया जाए, 5 साल 6 साल 10 साल के लिए उनके साथ एग्रीमेंट होता है, तो वो बच जाते हैं इस जो मेहनत उसमें लगता है, तो उन्हें ईजीली पैसा मिलता है। इसलिए मैं कहूँगा कि जो हमारा बड़गाम डिस्ट्रिक्ट है, अल्लाह ने उसको एक कुदरती खूबसूरती अता की। हमारे जो यहाँ पे मतलब कारीवास हैं, पहाड़ हैं यहाँ के बहुत खूबसूरत, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ देयर वहीं पे ज़्यादा ब्रिक-किल्न्स का आई है। तो अगर आप देखें हमारे आर्ट्स पड़ोस में जो बिल्कुल वो खूबसूरती थी, जब हम नज़र डाल मैं कहूँगा जब मैं अपने घर से नज़र डालता था तो पूरा मतलब वो ग्रीनरी नज़र आती थी, पेड़ लगे हुए थे, फसलें नज़र आती थी। आज मैं जब देखता हूँ ना तो बिल्कुल वहाँ पे वीरान नज़र आते हैं, सैंड नज़र आती है, वहाँ पे वो वृक्ष नज़र आती हैं, वो खूबसूरती तो ख़त्म हो रही है।